बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूँ, आप जुमे की खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाबे गफलत में अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके, जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम करें तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, ये कोई देवबंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्त का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे असल के मैदान में जाके? अरे भाई ये बारकोड है, लैंड हमारी जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन खतरे में है, अल्लाह की राह में दी हुई जमीन, पुराने इतिहास से अब तक जितनी जमीनें हैं सब पर मोदी सरकार की गंदी नजर है। मोदी सरकार सब हड़पने के चक्कर में है, मोदी के चाहने वाले मस्जिदों पर इल्जाम लगाकर मस्जिद हड़प रहे हैं, और अब कानून को ही बदल के मोदी सरकार कानून के रास्ते से मुसलमानों की जमीन हड़प रही है। सिर्फ दो दिन बाकी, दो दिन में आपको करना यह है,